हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेकाउंट चैनल। जैसा कि आपको दिनेश सर ने बताया था पिछली वीडियो में कि हम वर्कशॉप के कैलकुलेशन एंड साइंस से हम अपने मैथ्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके इसरो के पेपर में 2 जून को आने वाले एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करेगा। क्योंकि तो अपने जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, उसमें जितने भी मैथ के सवाल आते हैं वो 90% यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत से। ठीक है, तो प्रतिशत से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई भी वैल्यू या कोई भी मान है, उसको हमको प्रतिशत में मैं बनाना है। उसको अगर हम 100 से उसका कंपेयर करेंगे तो उसको हम प्रतिशत या प्रतिशत दर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई 30 है, ठीक है, 30% ये हमने बोल दिया, तो परसेंट जब लगा दिया हमने यहाँ पर, तो उसकी ऑटोमेटिक 100 से कंपेयर हो गई। क्या हो गई? इसकी 100 से इसकी कंपेयर हो गई। तो उसको हम अगर 30% इसको हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है, 30% की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे? 30 × 1/100। ये जो परसेंट का मान होता है इसका मान 100 ही होता है, क्योंकि ये यहाँ पे बन दिया गया है, ये इसके दो बिंदु, इसका मतलब 100 ही होता है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने बताया है। यहाँ पर ये कट गया, क्या आ गया हमारा? 3/100। ठीक है, ये हमारा परसेंट है। मान लीजिए जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बेसिक बेसिक, कि वैसे तो बहुत सारा बेसिक है, आपको वैसे आता भी होगा कि प्रतिशत से दशमलव भिन्न में उसको चेंज करो और अपना साधारण भिन्न में चेंज करो। तो उसको हम कैसे करते हैं? वो तो इजीली है, जैसे कि अपने ये किया है, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये क्या आ गया, साधारण भिन्न में इसकी हमारी वैल्यू आ गई। अगर हमको इसी को दशमलव भिन्न में चेंज मतलब बदलना है तो क्या करेंगे, इसका इसमें हम भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.3। ये हमारी किस में चेंज हो गई? दशमलव भिन्न में। मतलब किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हमको साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें सीधी सी बात 100 का भाग देते हैं। मान लीजिए 45 है, इसको हमको साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग दे देंगे, काट लो इसको, 5 × 45, 5 × 2 = 10, ये हमारा कितना आ गया, 9/20। ये हमारी क्या हो गई, साधारण भिन्न हो गई। और हमारी दशमलव भिन्न क्या होगी, इसी का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारी क्या जाएगी, दशमलव भिन्न जाएगी। ये तो आप आराम से भाग दे सकते हो, ये छोटी सी कहानी इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मान लीजिए अगर किसी दशमलव भिन्न से या फिर अपनी साधारण भिन्न से हमको प्रतिशत में अपनी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है यहाँ पर 3/10, इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा कट गया, क्या आ गया, 30%। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये शायद आपको आती भी होंगी, फिर भी मैंने जिन लोगों को शायद नहीं मालूम है उनको मैंने बताने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताना भूल गया, अभी क्या है कि जैसे कोई भी सवाल हमको सॉल्व करना है, मान लीजिए कोई भी हमारा लैंग्वेज वाला सवाल है, प्रतिशत में हमारा कैसा भी सवाल आएगा तो उसको हम सीधा एक फॉर्मूला है जिसको मतलब मैं उसको वैसे ही सॉल्व करता हूँ, अगर आप भी उससे सॉल्व करेंगे तो 100% आप कोई सभी सवाल हल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक्स का बाय प्रतिशत बराबर जेड, ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम कोई सा भी सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। इसको मतलब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए एक सवाल करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा दिया है 200 का 10% ज्ञात करो, तुम्हारा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10/100, ये हमारे कट गया, कितना हो गया, 20। 200 का 10% क्या होगा हमारा, 20। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हमको कोई भी दो चीज़ देना ही मतलब पड़ेंगी, अगर इसमें से कोई दो चीज़ उन्हें नहीं दी है सवाल वाले ने तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस फॉर्मूले से, फिर क्योंकि इसमें एक्स या बाई या जेड या फिर एक्स या बाई दे के चले वो या बाई या जेड दे के चले, इनमें से कोई भी दो चीज़ दे के चलेगा तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, अब एक औरत अपने पति की माँ से कहा है कितना 25% करती है बच्चों के खर्च पर, ठीक है, बच्चों का खर्च, और 40% घर खर्च करती है, खर्च घर का 15% कहाँ करती है वो, अन्य खर्च पर, अन्य खर्च, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर प्रतिशत की बात होती है वहाँ पर हम 100 से ही 100 मतलब ये होता है 100%,
इसका टोटल जोड़ने पर कितना आया हमारा 80%, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20%। यानी कि जो 20% जो उसकी आमदनी है वो हर महीने क्या करती है, वो सेव करती है। तो यहाँ पर उसके लिख देते हैं उसके पति की टोटल आमदनी क्या जाएगा, टोटल आमदनी का 20% कितना करती है, वो 200 रुपये है। निकाल लेते हैं, मान लेते हैं टोटल आमदनी उसकी एक्स है, एक्स इंटू 20/100 इक्वल 200, अरे एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 1000। ठीक है, उसके हस्बैंड की एक महीने की मासिक आय कितनी है, 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ, कि 10 किलोग्राम जिंक तथा 15 किलोग्राम तांबे से बने हुए ब्रास में जिंक तथा तांबे की मात्रा प्रतिशत में ज्ञात करो। मतलब एक पीतल है, ब्रास, पीतल, एक पीतल से, पीतल कहाँ से बनता है, जिंक तथा तांबा, जिंक प्लस तांबा से बनता है। ठीक है, तो जिंक इसमें कितना मिलाया गया है, 10 किलोग्राम, तांबा मिलाया गया है 15 किलोग्राम, तो पीतल टोटल कितने किलोग्राम का है, 25 किलोग्राम का। ठीक है, तो अभी वो पूछ रहा है कि जो 10 किलोग्राम जिंक मिलाया गया है वो कितना परसेंट मिलाया गया है, और जो तांबा मिलाया गया है वो भी कितना परसेंट मिलाया गया है। तो देखिए अभी हम उसको कैसे करेंगे सॉल्व, 25 किलोग्राम का कितना परसेंट 10 किलोग्राम हुआ, ऐसे ही करेंगे ना हम सॉल्व। ये हम जिंक निकाल रहे हैं, तांबा निकाल रहे हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, 25 × x/100 = 10, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 10 × 125, 25 × 100 यानी एक्स बराबर आ गया हमारा 40%। ठीक है, जिंक हमने कितना मिलाया है इसमें, 40%, तो तांबा हमारा कितना हो जाएगा, जब पता है परसेंट की बात होती है तो 100 से माइनस करेंगे, 100 − 40 कितना जाएगा हमारा, 60%। ठीक है, ये हमारा सेकंड सवाल हो गया। हमारे जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं सभी में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल का बेस होता है वो हमारे आईटी के बेस से होता है, और आईटी के बेस से हमारी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से है वहीं से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, 99% वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके आने वाले जो इसरो के एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करने वाला है ये। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 3 डब्बों में रखे हुए तेल को एक ड्रम में डाल दिया गया है। मान लेते हैं हमारे 3 डिब्बे कौन से हैं, ए बी सी, ये हमारे 3 डिब्बे हैं, तेल से भरे हुए 3 डिब्बे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है वो, अगर पहले डिब्बे में तेल दूसरे डिब्बे के तेल से 3 गुना ज़्यादा हो। पहले डिब्बे का तेल हम मान लेते हैं कि हमारा एक्स गैलन है, क्योंकि इसकी जो इकाई है वो गैलन में दी गई है सवाल में। ठीक है, तो दूसरे डिब्बे के तेल से 3 गुना ज़्यादा होता, मतलब अगर इसका मतलब जो बी डिब्बा है, बी डिब्बे में जितना तेल है वो पहले डिब्बे के तेल से क्या है, 3 गुना कम है, यानी कि ये 3 गुना इससे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, x/3 कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो डिब्बा सी है, डिब्बा सी जो है वो डिब्बा ए से क्या है, 1.5 गुना कम है, मतलब ये 1.5 गुना ज़्यादा है, डिब्बा मतलब तीसरा डिब्बा जो है वो पहले डिब्बे से 1.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x/1.5 मान लेंगे इसको, 1.5 गुना। ठीक है, अब टोटल जो डिब्बा में इनका जो तेल एक बड़े डिब्बे में भरा गया है, उस डिब्बे में कितना तेल है, टोटल 125 गैलन। तो अब वो बोल रहा है कि इन तीनों डिब्बों में कितना कितना तेल भरा था, उसको हम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, x+x/3+x/1.5 = 125, ये हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हमारा डिब्बा ए आ जाएगा, इसके हिसाब से हम बी और सी डिब्बे की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखिए हम क्या, अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, देखिए हमने इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 125 × 3, ये हमारा हो जाएगा 3x + x + 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 375 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 375/6, इसका इसमें भाग दिया तो क्या हो जाएगा,
12 56 36 62.5 गैलन। ये हमारा क्या आ गया, डिब्बे ए का, डिब्बे ए की हमारी मात्रा आ गई। ठीक है, अब हमको डिब्बा बी का निकालना है। डिब्बा बी का क्या है हमारा, एक्स अपॉन थ्री, हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 62.5 अपॉन थ्री, तो डिवाइड दे दो, 3 दूनी 6 हमारा 0, 5 15 हमारा 20.5 गैलन। हमारा डिब्बा सी की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स अपॉन 1.5, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 62.5 अपॉन 1.5। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगी, क्या हो जाएगा, 15 6 60 और अष्टम बिंदी 15 1 15 सॉरी। ठीक है, ये हमारी इसकी दशमलव दशमलव हमारी कट जाएगी, हमारा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम काट देंगे 15 6 60, ये हमारा हो गया, ये बचा 2, 15 1 15, ये हमारा बचा 10, 15 6 90, 15 6 90 हमारे 6 6 आता जाएगा, उसको हम क्या लिख देंगे, 41.67 गैलन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक वस्तु का वजन सूखने के बाद 28.5 किलोग्राम रह जाता है। मतलब एक जो वस्तु है उसका हमारा वजन कितना रह जाता है, 28.5 kg सूखने के बाद। ठीक है, और वो सूखने के बाद में कितनी, 5% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू है तो हमको गीली वस्तु का वजन निकालना है, तो जब परसेंट की बात हो रही है तो 100 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 95%, यानी कि जो 95% जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 28.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीली वस्तु का 95% कितना है हमारा, 28.5। गीली वस्तु हमारी एक्स हो जाएगी 95/100 इक्वल 28.5। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, 28.5 × 100 इक्वल 95। तो हम 5 से काट देते हैं, ये हमारा कट गया, 5 1 5 5 9 45 5 25 5 7 35 हमने 10 हटाया, पर हमारा 10 आ गया था 3। ये हमारा कितना हो गया, एक्स इक्वल 300/10, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 किलोग्राम। मतलब हमारी जो गीली वस्तु हमने उसको सूखने के लिए डाली थी उसकी वो कितनी किलो की थी, वो 30 किलो की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अभी हमारे जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे पूरे सॉल्व हो चुके हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगते हैं, आपको जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के अलावा जो भी आपको प्रतिशत के क्वेश्चन है या फिर परेशान कर रहे हैं, तो आप सर का नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे और आपको बहुत अच्छे से मतलब बताएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।